हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये जरा बात कर लेते हैं कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि हमने पहले बात की थी, तीन तरह के होते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इसके अलावा किसी को भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि इन सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं। तो अगर मैं कॉमन फीचर्स की बात करूं, देन फर्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, दैट इंस्ट्रूमेंट शैल बी ट्रांसफरेबल। और क्वेश्चन ये आता है कि सर, हम इसे कितनी बार ट्रांसफर कर सकते हैं? तो मेरा आंसर ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं तो इसे ही तो हम नेगोशिएशन कहते हैं। और ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है एंडोर्समेंट और दूसरा तरीका है डिलीवरी। इन दो तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। डिलीवरी किसके लिए होता है? डिलीवरी होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट के लिए। बियरर इंस्ट्रूमेंट वही जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जिस पे किसी का नाम मेंशन्ड हो, तो वहाँ एंडोर्समेंट होता है। और एंडोर्समेंट हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है, यानी कि ये एंडोर्समेंट वो कर पाएगा जिसके फेवर में वो इंस्ट्रूमेंट बना था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक चेक दूँ और उस चेक के ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो और आपके पास वो चेक है और आप उस चेक को फर्दर किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उस चेक को आप नेगोशिएट कर सकते हैं सिर्फ डिलीवरी देकर, क्योंकि उस पे किसी का नाम ही नहीं था, तो आपने उसे नेगोशिएट कर दिया डिलीवरी की तरह। लेकिन मैं अगर आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दूं, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको दूंगा उसमें अगर आपका नाम लिखा हुआ है, तो उसे नेगोशिएट करने के लिए आपको अपने साइन करने पड़ेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे आपको लिखना पड़ेगा कि आप उसे किसके फेवर में एंडोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में हुआ और ये जो बियरड इंस्ट्रूमेंट था, ये सिर्फ जो सॉरी मैंने बियरड इंस्ट्रूमेंट की यहाँ बात करी, तो यहाँ इसे बियरड इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से कह सकते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो इसे मैं ज़रा ये कह देता हूँ कि ट्रांसफर बाय डिलीवरी जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बियरर का मतलब जो उसे होल्ड कर रहा है। एग्जाम्पल चेक, अगर चेक पे किसी का नाम ना लिखा हो, सेल्फ का चेक इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब ज़रा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आया इंडिपेंडेंट टाइटल। इंडिपेंडेंट टाइटल का ये मतलब होता है कि जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता है, तो देखिए जो ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरर, और जिसके फेवर में ट्रांसफर किया गया उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी। और हम ये बोलते हैं कि इन दोनों का टाइटल या राइट बिल्कुल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स ने फ्रॉड करके एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया, और मिस्टर एक्स ने उसे ट्रांसफर कर दिया किसको? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई को फ्रॉड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो अब बताइए क्या मिस्टर वाई को पैसा मिलना चाहिए? आप ये बोलेंगे कि सर, सेल ऑफ गुड्स में लिखा हुआ है नेमो दैट क्योर नॉन हैबिट, दैट मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर ए बिल टाइटल देन वॉट ही हिमसेल्फ हैज। ये आपने सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसका एक्सेप्शन है। अगर ट्रांसफरी को वो इंस्ट्रूमेंट मिला है, ऑल्दो ट्रांसफरर का टाइटल, टाइटल का मीनिंग क्या होता है? टाइटल का मीनिंग होता है ओनरशिप। ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन ट्रांसफरी का टाइटल अब डिफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यही कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइटल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ट्रांसफरी को फ्रॉड की नॉलेज नहीं थी।
इसलिए उसका टाइटल इफेक्टिव होगा. दैट मीन्स ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव बट ट्रांसफरी का टाइटल इफेक्टिव. और ट्रांसफरी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसा डिमांड कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी. किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सर्टेनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्टेनिटी रिगार्डिंग अमाउंट, कब पे करेगा, कितना अमाउंट पे करेगा. मैं अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा हो कि मैं 1,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए पे करूंगा, सो दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सर्टेन. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सू. ये राइट टू सू किसको मिलता है? ये राइट टू सू मिलता है या तो उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर को या उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स को. ये होल्डर कौन होता है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं कि होल्डर कौन है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है. अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो उस इंस्ट्रूमेंट से लीगली पैसा डिमांड कर सकता है उसे ही हम होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल सकते हैं. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. और अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की. प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइंड है और ये एक प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है. प्रॉमिसरी नोट देखिए किस तरीके से बना. प्रॉमिसरी नोट को जिसने बनाया, देखिए ये इसने बनाया है और लिखा क्या है, 60 डेज आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 40,000 ओनली. अब यहां दो पार्टीज आई हैं. दो पार्टीज कौन कौन? जिसने इसको बनाया है वो है इस इंस्ट्रूमेंट का मेकर, और इसने जिसके फेवर में बनाया है वो बन गया इस इंस्ट्रूमेंट का पे. तो हमेशा हम बोलते हैं कि प्रॉमिसरी नोट में देयर आर टू पार्टीज, फर्स्ट वन इज मेकर एंड द अदर वन जिसे पैसा मिलना है उसे हम कहते हैं पे. और हर प्रॉमिसरी नोट के साथ एक स्टैंप ड्यूटी भी लगी होती है, स्टैंप ड्यूटी जो रेवेन्यू स्टैंप की फॉर्म में हम पे करते हैं. यहां ये इसका अमाउंट यहां पे हमने दिखा दिया कि 40,000 पे करेगा और साथ में एक टाइम लिमिट भी लिखी हुई है, द सम ऑफ रुपीज 40,000 ओनली. तो देखिए यहाँ टाइम लिमिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टाइम लिमिट कौन सी है? 60 डेज आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस. तो ये बन गई इसकी ड्यू डेट. ये ड्यू डेट कब से बनेगी? ये ड्यू डेट बनेगी इस डेट से. तो 5 जून को ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो 5 जून प्लस 60 डेज वो बन जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट. ग्रेस डेज वाला कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा कि कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रेस डेज भी मिलते हैं. यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चेक में कभी ग्रेस डेज अवेलेबल नहीं होता. तो यहां इस डेट से हम इसकी मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. दो पार्टीज आई, फर्स्ट वन इज मेकर एंड द सेकेंड वन इज पेई. और अगर ये पेई चाहे तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि इस प्रॉमिसरी नोट को फर्दर नेगोशिएट कर सकता है. और वो नेगोशिएट करने का तरीका जो हमने देखा कौन सा? आइदर एंडोर्समेंट और डिलीवरी. तो प्रॉमिसरी नोट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जरा इनकी बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर. अगर मैं आपको ओरली कहूं कि मैं आपको 1,00,000 रुपए पे करूंगा, 2,00,000 रुपए पे करूंगा, तो वो प्रॉमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आएगा. वो प्रॉमिसरी नोट की कैटेगरी में तब आएगा जब वो रिटर्न फॉर्म में हो और साथ ही साथ साइंड हो. किसके? मेकर के. ये रिटर्न फॉर्म में किसी पेपर पे हो और उसके साथ रेवेन्यू स्टैंप पे की हो, जिसे स्टैंप ड्यूटी हम कहते हैं. और प्रॉमिस या अंडरटेकिंग टू पे हो. दिस मस्ट बी ए अनकंडीशनल प्रॉमिस. अनकंडीशनल प्रॉमिस होना रिक्वायर्ड है. ये अनकंडीशनल प्रॉमिस क्या होता है? यानी कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें शादी के बाद पे करूंगा, यानी कि जब ए की शादी बी से हो जाएगी, बी की शादी सी से हो जाएगी और वट एवर इट इज. या ऐसी कंडीशन जब लगाई जाएंगी ना, इसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इसके सीएम बनने के बाद, इसके हीरो बनने के बाद, ऐसी कंडीशन के प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकते क्योंकि वहां कंडीशंस आ गई हैं और अनकंडीशनल होना चाहिए. गुड्स के अराइवल के बाद पे करूंगा, सेफ अराइवल के बाद, ये एक कंडीशन है. तो ऐसी कंडीशन के साथ प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाया जा सकता.
that must be unconditional and money and certain sum of money. Money की form में ही वो consideration pay होगा. दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मुझे गुड सप्लाई किए, मैं बदले में आपको मोबाइल फ़ोन सप्लाई करूँगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स मनी नहीं है और मोबाइल फ़ोन देने के लिए प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता. दूसरी बात, सर्टेन सम ऑफ मनी हो, आइदर मैं आपको 2 लाख रुपए पे करूँगा या मैं आपको 5 लाख रुपए पे करूँगा, यहाँ ये सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है. क्लियरली लिखा हो मैं आपको 2 लाख रुपीज पे करूँगा, या ये लिखा हो कि मैं आपको 5 लाख रुपीज पे करूँगा, सर्टेनिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ साथ सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज हो. पार्टीज कौन? पे एंड मेकर. ज़रा सोचिए, इस इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा होता कि या तो मैं मिस्टर एक्स को पे करूँगा या मैं मिस्टर वाई या मिस्टर जेड किसी को भी पे कर दूंगा, तीनों में से किसी को पे कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. सर्टेनिटी ऑफ द पार्टी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर जॉइंटली आप पे कर रहे हैं तो इट इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट, बट यहाँ हमें ये देखना है कि जिस पार्टी को पेमेंट मिलना है दैट पार्टी मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन. सर्टेन पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन अदर देन ए बैंक और करेंसी नोट. प्रॉमिसरी नोट बैंक या करेंसी नोट से अलग होता है. ऐसा क्यों? ये जानने के लिए हमें RBI एक्ट का सेक्शन 31 पढ़ने की जरूरत है, जिसमें ऐसा प्रोविजन है कि कोई भी प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं हो सकता. जरा देखिए नोट पे क्या लिखा होता है. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इज सम रुपीज 100 या 50 लिखा होता है या 20 लिखा होता है, ऐसा किसी भी प्रॉमिसरी नोट पे नहीं लिखा हो सकता. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ऐसा करने से तो RBI की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि RBI के पास ही ये राइट होता है. जो RBI का गवर्नर लिखता है कि मैं आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इज सम ऑफ रुपीज 5, 10, 20, 50 वट एवर इट इज. सो प्रॉमिसरी नोट इस तरीके से नहीं बन सकता. इसके साथ साथ यानी कि पार्टी का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा. इसके साथ साथ पेबल टू बियरर और ऑर्डर. देखिए, बियरर की तो मैंने अभी बात की कि बियरर की अगर पोजीशन की बात करूं तो ऑर्डर तो अलाउड है, लेकिन कोई भी प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं बन सकता. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसकी परमिशन देता था, बट RBI एक्ट इसकी परमिशन नहीं देता, इसलिए कोई भी प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं बन सकता. So friends, this was the concept of promissory note and the features of negotiable instrument. Stay tuned for more videos. Thank you so much.